रहेगा। કેમ છો? મજામાં, બહોત અચ્છે, બહોત અચ્છે। મેં પિછલે કુછ મહિનો સે ગુજરાત આ રહા હું ઓર ઇતના પ્યાર ગુજરાત કે લોગોને મુઝે દિયા। બહોત બહોત શુક્રિયા આપ લોગોં કા। આપ મેં સે કોન કોન મુઝે અપના ભાઈ માનતા હૈ? ગુજરાત કે લોગોં કા અબ મેં ભાઈ બન ગયા હું। कुछ लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं, कुछ लोग मुझे अपना भाई मानते हैं। गुजरात के हर परिवार का मैं हिस्सा बन गया हूं। तो मैं भी आज आप लोगों को वचन देता हूं, गुजरात में जब हमारी सरकार बनेगी, आपका भाई बनके, आपके परिवार का हिस्सा बनके, मैं आपके परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगा। सबसे पहले महंगाई दूर करेंगे। महंगाई हुई कि नहीं? बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। आमदनी बढ़ती नहीं है। 25 तारीख को पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर समझ नहीं आता बाकी महीना कैसे बीतेगा। गलत तो नहीं कह रहा बहन जी? तो सबसे पहले 1 मार्च के बाद से आप लोगों को अपने बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके बिजली के बिल भरेगा। दिल्ली में हमारी सरकार है, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, 1 मार्च के बाद से 24 घंटे बिजली आएगी, 0 बिजली का बिल आएगा। किस किस को चाहिए 0 बिजली का बिल? 1 मार्च से 0 बिजली का बिल आएगा। दिल्ली में हमने बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनाए हैं, बहुत अच्छे स्कूल बनाए हैं। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कर रहे हैं। गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं गरीबों के बच्चे। जैसे दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बनाए हैं, गुजरात के अंदर भी खूब सारे स्कूल बनाएंगे चारों तरफ, और आपके बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा की जिम्मेदारी आपका भाई उठाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपके बच्चों का भविष्य बनाऊंगा, मैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा। दिल्ली में हमने शानदार हॉस्पिटल बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, पूरे दिल्ली के अंदर इतने अच्छे कि प्राइवेट के अंदर भी उतना अच्छा इलाज नहीं होता जितना सरकारी अस्पतालों में दिल्ली में होता है। गुजरात में भी शानदार हॉस्पिटल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। दिल्ली में 5 सबका इलाज मुफ्त कर दिया, 5 रुपए की गोली वो भी मुफ्त, और अगर 15 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का ऑपरेशन होना है वो भी मुफ्त, सब सारा इलाज मुफ्त। भगवान ना करे आपके घर में कभी कोई बीमार हो, भगवान से प्रार्थना करता हूं आप लोग स्वस्थ रहें। लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, चिंता मत करना, उसका इलाज आपका भाई कराएगा, सारा इलाज का खर्चा आपका भाई देगा। दिल्ली में हमने 12 लाख बच्चों को, 5 साल में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया है। गुजरात में भी बहुत बेरोजगारी है, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, यहां भी बच्चों को रोजगार दिलवाऊंगा। और जब तक रोजगार नहीं मिलता, हर बेरोजगार बच्चे को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये जितनी बातें मैंने की हैं, आज तक किसी पार्टी ने ऐसी बातें नहीं की होंगी। कोई पार्टी आके बोलती है आपको? कोई पार्टी कहती है कि स्कूल
हमारी पार्टी है जो आपका दर्द समझती है, आम आदमी का दर्द समझती है। आपके लिए बिजली का इंतजाम करेंगे, स्कूल का इंतजाम करेंगे, पानी का इंतजाम करेंगे। सड़कें टूटी पड़ी है चारों तरफ, मैं गुजरात में घूम रहा हूँ, आपकी सड़कें ठीक करेंगे। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, देशभक्त आदमी हूँ, कट्टर ईमानदार आदमी हूँ, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। अगर आप लोगों को राजनीति चाहिए उनको वोट दे देना, अगर आप लोगों को गुंडा करनी चाहिए उनको वोट दे देना, अगर आपको लफंगाई चाहिए, गाली गलौज चाहिए उनको वोट दे देना, अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं मेरे को वोट दे देना, मैं स्कूल बनाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं, मेरे को मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं, इंजीनियर हूं मैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, पानी देना आता है, बिजली देनी आती है, स्कूल देने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं। अगर ये सब चाहिए मेरे पास आ जाना, गुंडागर्दी चाहिए उनके पास चले जाना। आप लोगों से एक ही विनती है, 27 साल आपने उनको दिए, 5 साल में को दे दो, 5 साल मांगने आया हूं, 5 साल तो ज्यादा नहीं होते, 5 साल तो कुछ भी नहीं होते, एक बार मेरे को ट्राई करके देख लो। आप लोगों से 5 साल मांगने के लिए आया हूं, अगर मेरा काम पसंद नहीं आया 5 साल बाद मेरे को भगा देना, मेरे को मैं दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा अगर मेरा काम पसंद नहीं आया तो। 27 साल इन लोगों को वोट दिया, 27 साल इन लोगों को दिया, 27 साल कम नहीं हो। मोरबी का भी पुल गिरा, घड़ी बनाने वाले को इन्होंने मोरबी का पुल बनाने का ठेका दे दिया, घड़ी बनाने वाली कंपनी है वो, उसने आज तक कभी पुल नहीं बनाया बिना टेंडर के, बिना टेंडर किए, बिना प्रोसेस के उन्होंने घड़ी बनाने वाली कंपनी को उन्होंने पुल दे दिया। दोस्तों ये क्या है, ये भ्रष्टाचार है, आपकी जिंदगी की इनके लिए कोई कीमत नहीं है। मैं इन लोगों से भाजपा वालों से पूछता हूं कि दिल्ली में 5 साल के अंदर मैंने इतने अच्छे स्कूल बना दिए, 5 साल में मैंने बिजली मुफ्त कर दी, आप लोग गुजरात में क्यों नहीं करते? मैं भाजपा वालों से पूछता हूं, पता है क्या जवाब देते हैं वो? वो कहते हैं जरूरत नहीं है, ये कहां जाएंगे, हमें वोट देने पड़ेंगे इनको। ये आप लोगों को कुछ समझते ही नहीं है, इनको लगता है कहां जाएंगे गुजरात के लोग, हमें वोट देने ही पड़ेंगे। घमंड हो गया इन लोगों को, अहंकार हो गया इन लोगों को, ये आदमी को आदमी नहीं समझते। एक बार इनका अहंकार तोड़ दो, एक बार तोड़ दो इनका सबका अहंकार। एक मौका मांगने के लिए आया हूं, एक मौका मुझे दो, अगर 5 साल बाद काम पसंद नहीं आए दोबारा आपके बीच में वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। भारत